हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। सो जो आज का टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पिछले कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोसेस उसका प्रोसेस पढ़ा था, कहाँ होता है, कैसे होता है, एडाप्टेशंस इन लीफ पढ़ा था, कौन से फैक्टर से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या होता है। क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं रहता तो ये अर्थ रहता? आंसर है नहीं। क्यों नहीं रहता, आइए देखते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का जो टू मेन इंपॉर्टेंस है क्या है, देखिए, फूड फॉर ऑल, सबके लिए खाना कौन बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस बनाता है। ठीक है, और रिलीज O2 क्या करता है, रिलीज करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड फॉर ऑल। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कौन करता है, कौन करता है? ऑफ कोर्स ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ठीक है, अगर ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं और क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, हम उनको बोल सकते हैं दे आर प्रोड्यूसर्स। क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर्स। आर कौन है प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। प्लांट को हम प्रोड्यूसर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सबके लिए पूरे विश्व के लिए खाना बनाता है। कौन, प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स क्या करते हैं, पूरे विश्व के लिए खाना बनाते हैं, इसलिए हम उनको कह सकते हैं वो प्रोड्यूसर्स है। और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, वो क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं कि प्लांट उनके लिए खाना बना के दे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, देखिए, हर्बीवोर्स पहला, दूसरा ओमनीवोर्स। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, सॉरी, ये ओमनीवोर्स नहीं, ये है, दूसरा है कार्निवोर्स। और जो इन दोनों के बीच में का जो होता है ना, वो होता है ओमनीवोर्स। ठीक है, कंज्यूमर के दो भाग हो गए, हर्बी। हर्ब का मतलब क्या होता है, प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट आर ओनली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। क्या बोला हूं मैं, कि जो हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने खाने के लिए केवल और केवल प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो हर्बीवोर्स किसको बोल देंगे, तो समझ लीजिए काउ हो गया, काउ, फिर से जिराफ, फिर से एलिफेंट। ठीक है, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स, केवल और केवल प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट आर डिपेंडेंट ओनली ऑन फ्लेश एंड मीट। केवल क्या करते हैं, वो केवल मांसाहारी भोजन ही करते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, लायन हो गया, टाइगर हो गया। ठीक है, क्या है, कार्निवोर्स है, केवल और केवल फ्लेश खाते हैं, मीट मछली का, सॉरी मीट खाते हैं। ठीक है, और तीसरा है ओमनीवोर्स। देखिए, इन दोनों के बीच में लिखने का मतलब यही था कि ये और ये, इन दोनों के बीच में का है ओमनीवोर्स। क्यों इन दोनों के बीच में कह रहे हैं कि ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर्बी, मतलब कि वो हर्बीवोर्स को भी खाते हैं और कार्निवोर्स को भी खाते हैं। क्या बोला हूं मैं, वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, इसलिए हम लोग उनको ओमनीवोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन रोटी सब्जी भी खाता है, बकरा भी खाता है, मुर्गा भी खाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ओमनीवोर्स आर ह्यूमन। ठीक है, ये हो गए प्रोड्यूसर्स, ये हो गए कंज्यूमर्स। कुछ होते हैं, देखिए, डिकम्पोजर्स होते हैं। वो जानते हैं किस पर डिपेंडेंट होता है, डिकम्पोजर मतलब उनका काम होता है डिकम्पोज करना, तो वो डेड डिकिंग मैटर पे डिपेंड होता है। किस बोला हुआ है, डेड डिकिंग मैटर, मतलब मरे हुए प्लांट्स पे या एनिमल्स पे वो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब एक आता है स्कैवेंजर्स।
ठीक है, स्कैवेंजर्स कौन से हो जाएंगे? हॉक, देखिए हॉक हो जाएगा, यहां लिखता हूं हॉक, वल्चर, काइट मतलब चील, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? स्कैवेंजर्स हो जाएंगे। ये क्या करता है, ऊपर से ही प्लांट्स को देख लेते हैं, सॉरी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो देख लेते हैं और क्या करते हैं, उनके ऊपर हमला करके उनको ले लेते हैं, छीन लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है, वो डेड को भी खा लेते हैं जो मतलब मरे हुए रहते हैं, उन सबको भी खा लेते हैं और शिकार भी कर लेते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स, ठीक है। ये देखिए ये सभी के सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सभी के सभी एक दूसरे के ऊपर खाने पीने के लिए डिपेंडेंट है, केवल सॉरी प्रोड्यूसर्स को, केवल और केवल प्रोड्यूसर्स को छोड़ के सभी डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। अगर ये नहीं रहा ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, और ये है, अगर ये नहीं रहा ये भी खत्म, केवल ये बचेगा, ठीक है। तो सभी सभी एक दूसरे को डिपेंडेंट है और इसी को और इसी डिपेंडेंट डिपेंडेंस को एक दूसरे के ऊपर हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फूड चेन। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो क्या कर रहे हैं, एक चेन ही बना रहे हैं। जैसे देखिए ये प्लांट हो गया कंज्यूमर, कंज्यूमर देखिए प्राइमरी हो सकता है, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, ये सेकेंडरी हो सकता है, सेकेंडरी कार्निवर्स हो सकते हैं, कार्निवर्स, फिर ये टर्शियरी हो सकता है, टर्शियरी में भी कार्निवर्स ही हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डिकम्पोजर्स आता है, डिकम्पोजर्स देखिए सभी के सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सभी के सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक चेन बना रहा है और इसी चेन को जो खाने जो एक दूसरे के ऊपर खाने के लिए निर्भर रहते हैं उसी चेन को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। ये टर्म याद रखिएगा कि फूड चेन क्या होता है, फूड चेन इज अ इंटर रिलेटिंग बिटवीन टू क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टू क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन फूड। यहां लिखता हूं इंटर रिलेशन बिटवीन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन का डेफिनेशन इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, इसे फूड चेन बोलते हैं। जैसे देखिए मेज ले लीजिए, ठीक है, इसको ह्यूमन खाया, ठीक है, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये हर ओमनिवर्स हो गया, इसको ह्यूमन खाया और ह्यूमंस को काट लिया मॉस्किटो, ये हो सकता है, ठीक है। मेज ले लीजिए, समझे मेज नहीं लेता हूं मैं, अब ले लेता हूं कोई प्लांट ले लेता हूं, ठीक है, प्लांट को खाया ग्रास हॉपर, सुगा ग्रास हॉपर खाया, ग्रास हॉपर को खा लिया, समझ लीजिए चूहा खा लिया माउस, ठीक है, माउस को खा लिया किसने, मान लीजिए वल्चर ने खा लिया माउस को, वल्चर, ठीक है, वल्चर मर गया तो समझ लीजिए डिकम्पोजर्स खा गए, ठीक है, ये क्या है, एक फूड चेन है, ठीक है। यहां पे देखिए ये प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, उसके बाद ये डिकम्पोजर, क्या बोला हूं मैं, ये हो गया प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, हो गया ये डिकम्पोजर। तो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो बोल दिया व्हाट इज फूड चेन और एग्जांपल के साथ बताइए, ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए ये फूड चेन कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्या बोला हूं मैं,
फूड चेन कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे कि ग्रास हॉपर है, यहाँ पर माउस है ना, माउस तो इस ग्रास हॉपर को स्नेक भी तो खा सकता है। मान लीजिए स्नेक खा लिया और उसके बाद स्नेक को वल्चर ने खा लिया, ठीक है। या इसको ऐसे मान लीजिए, प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को माउस ने खा लिया, माउस को स्नेक ने खा लिया और इस स्नेक को वल्चर ने खा लिया। समझ रहे हैं, यहां पर देखिए कितना कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है। और इसी कॉम्प्लेक्स फूड चेन को हम लोग बोलते हैं फूड वेब। क्या बोला हूं मैं? फूड वेब, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड चेन बनाता है फूड वेब। वेब का मतलब क्या होता है? जैसे मकड़ी का वो जाला देखे ना, जाला कुछ ऐसे होता है, देखिए देखे ही होंगे, कुछ ऐसे ऐसे होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है, और इसी को बोलते हैं वेब। तो ये जो फूड चेन है कभी सिंगल डायरेक्शन में चलता है। कैसे? सिंगल डायरेक्शन में, देखिए ये सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है, और ये फूड वेब है कॉम्प्लेक्स होने के कारण ऐसे चल रहा है, फिर से ऐसे चल रहा है, फिर से ऐसे चल रहा है, देख रहे हैं तीन डायरेक्शन है इसका। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं फूड वेब। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, या नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, और फूड चेन क्या है? इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड चेन और फूड वेब के बीच में का जो डिफरेंस है वो बताइए, ठीक है, और दो तीन नंबर पूछ दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया फूड फॉर ऑल, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, प्लांट परफॉर्म करते हैं और सबके लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया फूड फॉर ऑल। और जो दूसरा है वो है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ O2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग को पता ही है कि जो फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो केवल ही केवल ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है, और कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो कभी भी ऑक्सीजन को नहीं बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बनाता है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है, एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है। विदाउट ऑक्सीजन नो लाइफ कैन एक्सिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है। बहुत सालों पहले, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सालों पहले, जब अर्थ बना था और उसके ऊपर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कब बने, जब प्लांट बने प्रोड्यूसर्स बने, तो क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बनना शुरू हो गए, और तभी से अर्थ पे लाइफ एक्सिस्ट करना शुरू कर दिया। जब प्रोड्यूसर्स बनेंगे तो वो पक्का है कि ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो क्या होगा, अदर ऑर्गेनिजम्स भी ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है लाइफ के लिए, ठीक है, जिसके द्वारा अदर लाइफ भी एक्सिस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये तो था इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, फूड फॉर ऑल और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, केवल फूड चेन और फूड वेब के बारे में, ठीक है, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।